अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और रिफा डेंटल मेडिकल कॉलेजेस में वी डेस्क के ऊपर किस तरह टिकट जनरेट किए जाते हैं डिफरेंट रिजल्ट कार्ड के लिए, डिफरेंट क्यूरीज के लिए, या डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स आती हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है, उसके लिए टिकट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो भी हैं यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के अंदर रिफा के, उसके लिए टिकट कैसे जनरेट करते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी फॉरेन स्टूडेंट्स हैं और जितने भी पाकिस्तान के अंदर जो स्टूडेंट्स रिफा इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं उनके लिए सेम प्रोसीजर है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, गूगल पे आना है, उसमें जो आपने वी डेस्क पोर्टल लिखना है, ठीक है। जैसे ही आप वी डेस्क पोर्टल लिखेंगे, ठीक है, तो इसमें आपके पास जो है वो ये वाला आपके पास इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने डायरेक्टली क्या करना है, यहाँ पे आपने आगे रिफा वी डेस्क पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप वी डेस्क पे क्लिक करेंगे आपके पास जो है वो ये वाली इंटरफेस ओपन हो जाएगी, जिसमें आपके पास ये एफ ए क्यू एस वाला मतलब आपके डिफरेंट जो क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में आते हैं वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। सबमिट योर रिक्वेस्ट क्यूरी, ये आपका टिकट जनरेट वाला पोर्टल है। डिस्कशन फोरम, जो डिफरेंट फोरम्स इशू करता है यूनिवर्सिटी या इदारा रिफा का, उसमें आप डिफरेंट यूनिवर्सिटी को आप यहाँ पे कर सकते हैं, उसके ऊपर सेलेक्ट कर सकते हैं। जो हमारा मेन टिकट जनरेशन वाला टॉपिक है वो ये वाला है, ठीक है। इंटरफेस यहाँ पे आपने क्लिक करना है। तो सबमिट क्यूरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपने ये देखना है आइदर आप इम्प्लॉई हैं या स्टूडेंट हैं, ठीक है। अगर स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट वाले पोर्शन पे क्लिक करें, इम्प्लॉई हैं तो इम्प्लॉय वाले पोर्शन पे क्लिक करें। तकरीबन इनका मेथड दोनों का सेम ही है, ठीक है। तो स्टूडेंट पे जब मैं क्लिक करूंगा तो आपके पास जो है वो तो आपके पास ये नेक्स्ट इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अगर आप रिफा कॉलेज में पढ़ते हैं, मतलब डेंटल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज जो भी है उसमें पढ़ते हैं तो ये वाला ऑप्शन है, और अगर आप रिफा यूनिवर्सिटी के जितने भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं तो आप उस पर क्लिक करें, ठीक है। तो मेरा यूनिवर्सिटी है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। उसके बाद आपके पास ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ये वाला पहले जो आपके पास इंटरफेस ओपन हुआ है ये पढ़ लेना है सही तरह से, ठीक है। तो आपने जो है वो अपना जो ऑफिशियल ईमेल है वो इसमें पुट कर लेना है, ठीक है। तो उसके बाद लॉगिन, आपको एक ईमेल के ऊपर आपको लॉगिन एक जो है वो लिंक भेजेंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद, ठीक है जी, अपनी मेल एंटर करने के बाद आपने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको वो भेजेंगे कि लॉगिन आपको एक सेंड कर दिया गया आपके ईमेल पे, ठीक है। तो इसके बाद आपने क्या करना है, आपने मेल पे आ जाना है, ठीक है। तो ये आपकी पोर्टल लॉगिन पोर्टल आपको भेज दिया गया है। तो जैसे ही मैंने अपना ये लॉगिन ओपन किया, यानी कि जीमेल अपना ओपन किया, तो ये लॉगिन पोर्टल इस पर क्लिक करूँगा। तो लॉग इन पोर्टल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास ये इंटरफेस ओपन होगा, ठीक है। तो इसमें ये ऊपर आएंगे तो यहाँ पे एक आपको एक ऑप्शन देंगे सबमिट अ टिकट का, ठीक है। तो आपने क्या करना है, मैंने टिकट जनरेट करना है, टिकट सबमिट कराना है रिजल्ट कार्ड एक्सट्रैक्ट के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। तो जैसे ही आप सबमिट अ टिकट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये टिकट वाला पूरा एक पोर्शन क्रिएट हो जाएगा, जिसमें आपने समरी लिखनी है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बतानी है कि मतलब समरी ये बतानी है कि आपने किस क्या आपको क्या प्रॉब्लम है, या आपको क्या चीज़ चाहिए, किस चीज़ के लिए आप टिकट जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये टिकट जनरेट करेंगे तभी आपको वो यूनिवर्सिटी से जो आपको रिक्वायर्ड चीज़ है वो मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये सारे जो बॉक्सेज हैं ये फिल करने हैं, फिर लास्ट पे आपने अगर कोई आपने अटैच फाइल भी करनी है, अगर आपको कोई मसला है, मतलब किसी आपको फाइनेंस में कोई मसला है या आपने फी रिसिप्ट जमा करवानी है, ठीक है, तो वो इस तरह टिकट जनरेट करके यहाँ पे अटैच फाइल कर सकते हैं पिक्चर उसकी करके, ठीक है। तो मैं ये रिक्वायर्ड जो बॉक्सेस हैं ये फिल कर लेता हूँ। अच्छा, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है, समरी लिखी है कि मेरे रिजल्ट कार्ड, मुझे एम फिल मैथमेटिक्स का रिजल्ट कार्ड चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखी है कि मुझे मैंने रिसेंटली मेरे अपनी एम फिल थीसिस कम्प्लीट की है, तो काइंडली मुझे मेरा इशू करें रिजल्ट एक्सट्रैक्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जब आप आएंगे यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने ये देखना है कि कौन सी कैटेगरी है, मतलब किस डिपार्टमेंट को आप ये टिकट जनरेट कर रहे हैं। एकेडमिक रिलेटेड इशू है, एग्जाम क्यूरीज है, फी एंड ड्यूज है, यानी कि फीस का मसला है, ठीक है। उसके अलावा ये ऑनलाइन एग्जाम इशू है या कुछ भी इशू है आप उस हिसाब से करें, ठीक है। तो एग्जाम क्यूरी है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एग्जाम डिपार्टमेंट को ये टिकट यहाँ पे कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैंपस सेलेक्ट करना है आपने, ठीक है, जिस कैंपस में गुलबर्ग ग्रीन वाले या जिस भी अलमिजान कैंपस जिसमें भी आप पढ़ते हैं, आपने जहाँ से डिग्री ली है, ठीक है, या करंट
करंटली पढ़ रहे हैं तो उसको आपने क्लिक करना है। तो मेरा i14 कैंपस है तो मैं उसको क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आपकी माइक्रोसॉफ्ट आईडी है तो उसको क्लिक करें, ठीक है। उसके बाद अपनी सैप आईडी यहाँ पे बना लें, जो आपने सैप आईडी आपको यूनिवर्सिटी से दी गई है उसको यहाँ पे इंटर कर दें। उसके बाद आपने यहाँ से ये मेन चीज़ है इसको देखना है, ठीक है। अगर ये माइक्रोसॉफ्ट आईडी आपकी कोई है तो उसको यहाँ पे इंटर कर दें, अगर नहीं है तो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हो सकता है बाज़ इशू भी करती है, आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद आपने डिपार्टमेंट देखना है कि आपका डिपार्टमेंट कौन सा है, ठीक है। साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है, ठीक है, RCST। उसके बाद आपने देख लेना है जो भी आपका DBS, मेरा डाटा डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक साइंस है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है। ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के नाम है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के, ठीक है। उसके बाद मेडिकल, साइकोलॉजी, ठीक है। उसके बाद FC, क्योंकि ये डिपार्टमेंट होते हैं डिफरेंट कैंपसेस के अंदर, डिफरेंट जो प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं उनके नाम है शॉर्टकट, ठीक है। तो आपका जो डिपार्टमेंट है आपने उस हिसाब से सेलेक्ट करना है। तो मेरा डिपार्टमेंट ऑफ डेटा, डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक साइंस है तो मैं DBS को यहाँ पर क्लिक करूँगा, ठीक है। तो इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगर आपकी कोई फ़ी का इशू है या कोई और रिजल्ट कार्ड का कोई इशू है, उसमें कोई गलती है या कोई ठीक करवानी है, तो आप उसकी पिक्चर यहाँ पर अपलोड फाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मेरे सारी इन्फॉर्मेशन देख लें, सारी आपने एंटर कर दिए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया है तो ये आपने क्वेरी हैज़ बीन सेव्ड, यानी कि आपका टिकट जनरेट हो चुका है, ठीक है। तो जो भी मतलब इसके ऊपर काम है वो इसके बाद, अगर आपने कोई और टिकट जनरेट करना है तो वो यहाँ से कर सकते हैं आप, ठीक है जी। तो ये टोटल प्रोसीजर था कि रिफा का VDES पोर्टल क्या है और उसके ऊपर टिकट हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो प्रोसीजर है ये सिंपल प्रोसीजर है टिकट जनरेट करने का, ठीक है जी। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।